डियर स्टूडेंट्स, आपकी हिंदी ग्रामर बुक का पार्ट एक है भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। ठीक है, तो इस पार्ट की आप जो है रीडिंग कर लेंगे। अच्छे से रीडिंग करने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ पहुंचते हैं, एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, फिलहाल तो ये देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है, सबसे नीचे आ जाएँ। लिखा है जी बॉक्स में, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों या विचारों को आदान प्रदान करते हैं। यानी कि भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। अगर भाषा नहीं होता तो हम एक दूसरे के मन के विचारों को समझ ही नहीं पाते, है ना। और इधर देखा भाषा के रूप, तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक रूप होता है बोलना और सुनना। ठीक है, बोलने और सुनने की वजह से हम बात कर रहे हैं बैठ के, या फिर सुन रहे हैं किसी को, या मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो इसे मौखिक रूप कहते हैं। और जो होता है, जो लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कोई हम स्टोरी पढ़ रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो ऐसा जो रूप होता है भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, तो सिंपली पढ़ना और लिखना भाषा का लिखित रूप होता है। ये एक बोली होता है, तो बोली जो है एक छोटे एरिया में बोली जाती है। जैसे हमारे गाँव में, हमारे एरिया में कुछ अलग तरह की बोली है। ठीक है, और हम 100 किलोमीटर आगे चले जाएँ तो उन गाँव में अलग तरह की बोली होगी। तो ये छोटे है, ये भी एक भाषा का रूप ही, लेकिन इसे बोली कहा जाता है जो एक छोटे एरिया में बोली जाती है। लिपि जो होता है, लिपि भी देखिए इधर, लिपि भाषा को, या अक्षरों को वर्ण चिन्हों में लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। ठीक है, और कई हर भाषा की अलग अलग लिपि होती हैं। मतलब किसी भाषा की कोई लिपि होती है, किसी भाषा की कोई लिपि होती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, इसकी लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू की फारसी है, संस्कृत देवनागरी है, पंजाबी गुरमुखी है, मराठी की देवनागरी है। इस तरह से ये जो है आप रीडिंग कर लेंगे इसकी। ठीक है, फिर ये व्याकरण है, तो व्याकरण ऐसी चीज़ होती है जो भाषा के शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना हमें सिखाता है, क्योंकि बिना व्याकरण के हम सही से पढ़ नहीं सकते हैं, किसी भाषा को लिख नहीं सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बाहर के लोग जो होते हैं, कुछ जो हिंदी सीख जाते हैं, हिंदी सीखते हैं, तो वो व्याकरण की मदद से ही सीखते हैं। अगर उनमें कोई कमियाँ रह जाती हैं तो वो कभी कभी बोल देते हैं, जैसे कोई मेल है तो उसके लिए बोलते हैं बह जाती है ना, तो वो गलती हो जाती है उनसे अगर उनकी ग्रामर थोड़ी वीक है तब। इसी तरह से हम लोग इंग्लिश में अगर भाषा सीखते हैं तो हमें ग्रामर सीखना ज़रूरी होता है, उसके बिना हम सही से अंग्रेजी बोल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा दोहराएं, इस बात को एक बार फिर से दोहरा लेंगे, इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट हैं। देखिए, सबसे पहले मानव ने अपने विचारों को संकेतों और चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया। यानी कि इंसान ने सबसे पहले बोलना एकदम शुरू नहीं किया, पहले जो है संकेत, ये संकेत कहते हैं इशारे वगैरह, इशारे करना और चिन्हों के द्वारा अपने विचारों को एक दूसरे में समझाने की कोशिश की उसने। ठीक है, पहले मानव की लिपि चित्रात्मक थी, यानी जो उसने लिपि बनाई पहले, तो वो चित्र वगैरह बना के, और जो है चित्र वगैरह बना के इस तरह से जो है लिपि बना ली उसने, तो वो चित्रात्मक थी। भाषा के नेक्स्ट पॉइंट है, भाषा के दो रूप हैं, दो रूप हैं ही, मौखिक और लिखित। फिर है बोलना और सुनना भाषा के मौखिक रूप है, पढ़ना और लिखना भाषा के लिखित रूप है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। 22 भाषा को तो भारतीय संविधान ने ही मान्यता दी है। जैसे नीचे लिखा है, भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं के मान्यता दी है। फिर है प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। यदि लिपि ना होती, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि लिपि ना होती तो ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रख पाना असंभव था। अगर लिपि नहीं होती तो क्या होता कि जो हमारा इतिहास है, बहुत सारी बातें हमें पहले की पता है, आपसे 2000 साल पहले की, या कोई किताब 2000 साल पहले या 500 साल पहले लिखी गई, तो वो अब तक हमारे पास है और सारा ज्ञान उसमें लिखा हुआ है और वो हमारे पास सुरक्षित है। ठीक है, और ऐसा नहीं होता तो वो चीज़ अब तक भूल गए होते हम, ओरली होती तो, है ना। फिर है लास्ट पॉइंट, व्याकरण हमें भाषा का को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाती है। तो व्याकरण जो है शुद्ध रूप से पढ़ना लिखना ही सिखाती है। आगे एक्सरसाइज है, कुछ करके सीखें। सारात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए पहला है, ऐसी कौन सी भाषा है जिसका प्रयोग पूरे भारतवर्ष में होता है? तो ऐसी भाषा हिंदी है, हिंदी पे सही टिक कर लेंगे। फिर है, सबसे पहले मानव की लिपि कैसी थी? तो सब अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सबसे पहले मानव की लिपि चित्रात्मक थी, जो फर्स्ट पॉइंट है इसी पे ही फर्स्ट ऑप्शन पे टिक कर लेंगे, चित्रात्मक थी। ठीक है, ग्रामर है, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप होते हैं। आगे है, भारतीय संविधान में मान्यता दी गई है कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को, 22 भाषाओं को पे टिक कर लेंगे, ये 22 भाषाओं को, जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड ऑप्शन।
नेक्स्ट वन है उर्दू भाषा की लिपि लिखी जाती है। तो उर्दू भाषा को दाई ओर से बाई ओर लिखा जाता है, जैसे हम लोग हिंदी भाषा को जो है राइट से लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, लेफ्ट से राइट यानी बाई से दाई लिखते हैं, लेकिन उर्दू भाषा जो है वो राइट से लेफ्ट के लिए लिखी जाती है, ठीक है, यानी कि दाई ओर से बाई ओर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर है व्याकरण हमें सिखाता है, तो व्याकरण हमें सिखाता है अशुद्ध बोलना पढ़ना लिखना, अशुद्ध नहीं शुद्ध सिखाता है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है, शुद्ध बोलना पढ़ना और लिखना सिखाता है। नेक्स्ट है दो नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए, तो इसमें रिक्त स्थान भरना है हमें, ठीक है। तो लिखा हुआ है का सबसे पहले मानव अपने विचारों को खाली जगह और खाली जगह के द्वारा व्यक्त करता था, तो इसमें संकेतों आएगा, संकेतों और चिन्हों, साप अंक की बिंदी लगा देंगे, काप ए की मात्रा ताप ओ की मात्रा, संकेतों और चिन्हों, चाप छोटी की मात्रा अदना हाप ओ की मात्रा चिन्हों, इस तरह से हो जाएगा। फिर है भाषा की छोटी छोटी ध्वनियों से शब्द बनते हैं, तो भाषा की जो छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं उनसे शब्द बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है, लेकिन छोटी छोटी जो भाषा की ध्वनियाँ होती हैं उनसे शब्द बन जाते हैं, तो इसमें शब्द आ जाएगा। फिर आप भारत के संविधान में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, यानी 22 भाषाओं को, इसमें लिख देंगे 22, 22, ठीक है। फिर है भाषा को अक्षरों या वर्णों चिन्हों के लिखने की विधि को, इसमें जो है भाषा को अक्षरों या वर्णों चिन्हों में लिखने की विधि को लिपि कहलाती है, लिपि कहते हैं, लिपि लिख देंगे। व्याकरण और इसमें लिख देंगे व्याकरण, लास्ट वाले हैं व्याकरण और यहाँ पे लिखेंगे भाषा, व्याकरण और भाषा का आपस में घनिष्ठ संबंध है। 3 नंबर देखिए, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का है पहला, पहले माना अपने विचारों को संकेतों और चिन्हों के द्वारा व्यक्त करता था, तो सही बात है, चिन्हों और संकेतों के द्वारा व्यक्त करता था, इस पे आप कैसा चिन्ह लगा लेंगे, सही का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है, इस पे सही का लगा लेंगे। नेक्स्ट है खा नंबर, बोलना और सुनना भाषा के लिखित रूप हैं, बोलना और सुनना भाषा के लिखित रूप नहीं है, मौखिक रूप है, तो इस पे कैसा लगा लेंगे, ये गलत है, इस पे गलत का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका गा पॉइंट है पढ़ना और लिखना भाषा के मौखिक रूप हैं, तो पढ़ना और लिखना भाषा के मौखिक रूप नहीं है, लिखित रूप है, इसमें गलत चिन्ह लगा लेंगे, गलत है ये। भाषा को अक्षरों या वर्ण चिन्हों में लिखने की विधि को लिपि कहते हैं, ये सही बात है, इस पे सही का चिन्ह लगा लेंगे। फिर व्याकरण और भाषा का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो गलत है ये, क्योंकि घनिष्ठ संबंध है, व्याकरण और भाषा का घनिष्ठ संबंध है, यहाँ पर लिखा कोई संबंध नहीं है, तो ये वाक्य गलत हो गया, इस पे गलत का चिन्ह लगा लेंगे। फिर है भाषा को लिपि से सही मिलान कीजिए, देखिए इधर भाषा लिखा है, इधर लिपि लिखा है, सबसे पहले पंजाबी है, पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरमुखी, फिर है हिंदी, हिंदी भाषा की देवनागरी होती है, अंग्रेजी भाषा की रोमन होती है, उर्दू भाषा की लिपि होती है फारसी। 5 नंबर है आपके परिवार के सदस्य कौन कौन सी भाषाएं बोल तथा लिख सकते हैं, लिखिए, तो ये तो आपको ही पता होगा, आप अपने आप से लिखेंगे, ऐसे इसमें लिखा हुआ है माताजी हिंदी बोल लेती हैं, लिखने के लिखा नहीं है कुछ, लिख लेती हैं नहीं लिख लेती हैं, अगर हिंदी के अलावा दूसरी भी बोल सकती तो वो भी लिखेंगे, पिताजी हिंदी बोल लेते हैं और अंग्रेजी बोल लेते हैं या और कोई भाषा बोल लेते हैं, तो ये इसमें आप अपने आप से लिखना है, हिंदी अंग्रेजी जो भी आपके पिता आपके जो हैं दादाजी माताजी चाचाजी सब हैं जो जो बोल लेते हैं वो भाषाएं आप लिख लेंगे। 6 नंबर पर है निम्नलिखित चित्रों में भाषा का कौन सा रूप है, लिखिए, तो सबसे पहले ये देखिए म्यूजिक सुन रहे हैं, तो ये सुनना है हो गया, सुनना मौखिक रूप होता है, तो ये जो है बहुत मस्त है सुनने में, ये लड़का है इधर एक वहाँ से, तो इसमें मौखिक रूप लिखेंगे, और ये बच्चे सुन रहे हैं टीवी पे, है ना, तो ये भी मौखिक रूप हो गया, और इधर ये बच्ची है ये लिख लिख रही है या पढ़ रही है, तो ये लिखित रूप हो गया, ठीक है। आगे है भारत में बोली जाने वाली, 7 नंबर, भारत में बोली जाने वाली किन्हीं 12 भाषाओं के नाम लिखिए, तो 12 भाषाओं के नाम लिखना है, इसमें लिखा हुआ है इन्हीं को लिख लें आप, सबसे पहले हिंदी, बंगाली, कन्नड़, उर्दू और पंजाबी, मेरठी, मलयालम, तमिल, नेपाली, अंग्रेजी, संस्कृत, कश्मीरी, ये 12 भाषाएं होंगी भारत में बोली जाती हैं, इनको आप लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए सोच कर लिखिए कि, 8 नंबर, सोच कर लिखिए कि लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसमें लिखा हुआ सही है, इसी को हम लिख लेंगे, यदि लिपि ना होती तो ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रख पाना असंभव था, बड़े बड़े पुस्तकालय मनुष्य द्वारा उपलब्ध ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं, समाज की सभी लिखित और मुद्रित ज्ञान की सामग्री के रूप में वहाँ हैं, इसलिए लिपि जरूरी है, ठीक है।
आगे है भाषा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है भाषा कैसे बनी संक्षेप में बताइए, तो इसका उत्तर लिखेंगे सबसे पहले मानव अपने विचारों को संकेतों और चिन्हों के द्वारा एक दूसरे को बताता था, उसके बाद धीरे धीरे जब उसने बोलना शुरू किया तो भाषा बन गई। बस यही लिखना है आपको। आगे है खा नंबर, भाषा की परिभाषा लिखिए, तो भाषा की परिभाषा बहुत ही छोटी करके लिख देंगे, विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा कहलाता है। अगर फिर है गा नंबर, मौखिक और लिखित भाषा के विषय में बताइए, तो मौखिक और लिखित भाषा के विषय में बता देंगे। सबसे पहले मौखिक बताएंगे, ठीक है, मौखिक में बताएंगे, बोलना और सुनना भाषा का मौखिक रूप है, जबकि पढ़ना व लिखना भाषा का लिखित रूप होता है। ठीक है, आगे है लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि किसे कहते हैं, लिखेंगे भाषा को अक्षरों या वर्ण चिन्हों में लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट है लिपि का महत्व बताइए, तो भाई लिपि के बिना, लिखेंगे लिपि के बिना केवल मौखिक भाषा का प्रयोग ही संभव है, केवल मौखिक भाषा ही बोली जा सकती थी, है ना। आगे लिखेंगे एवं लिपि ना होती तो ज्ञान विज्ञान को सुरक्षित रख पाना असंभव था। फिर है भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, नहीं, व्याकरण किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है व्याकरण किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे भाषा को शुद्ध रूप में बोलना पढ़ना और लिखना सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर है भाषा में व्याकरण का क्या महत्व है, तो लिखेंगे इसमें इसका आंसर किसी भी भाषा का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का होना आवश्यक है, क्योंकि व्याकरण हमें भाषा को शुद्ध रूप में बोलना पढ़ना और लिखना सिखाती है। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, पूरी पार्ट कंप्लीट हो गया, पूरी एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।